अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने पिछली एक दो वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं अपना एक इंक्यूबेटर तैयार करने जा रहा हूं, तो आज जो है उसकी इंक्यूबेटर के लिए अप्लाई लेने जाने लगा था, तो मैंने कहा आप भाइयों के साथ जो है वो शुरू से लेके आपके साथ वीडियो बना के आपके साथ शेयर की जाएँ। तो आज हम चलते हैं जी अप्लाई लेने इंक्यूबेटर के लिए, तो उधर जाकर मैं आपको सारे दिखाऊंगा भी कौन सी प्लाई मैं ले रहा हूं और जो है उसको उसका साइज़ क्या होगा, उसकी कटिंग वगैरह उसको सारा उसको दिखाऊंगा। तो आज से जी आगाज़ हो चुका है इंक्यूबेटर बनाने का, और ये इस वीडियो में जो है जो इंक्यूबेटर की तैयारी है उस मुकम्मल डिटेल से जो है वो वीडियोस बना के अपलोड करूँगा, ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप भी घर में जो है वो इंक्यूबेटर बना सकें। तो चलते हैं जी और जाके जो है वो प्लाई लेके आते हैं। तो चलते हैं जी, अब मैं आपको दुकान पर जाके जो है वो दिखाता हूँ, जो प्लाई वाली शॉप है उधर जाके आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं जी। जी मैं प्लाई लेने आ गया हूँ इंक्यूबेटर के लिए, तो देखते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी प्लाई ली है और किस साइज़ के मैंने इनके पीस करवाए हैं। तो ये देखें जी, ये इसको चिपबोर्ड कहते हैं, और ये अब भाई से कहते हैं निकलवाते हैं, इसके पीस करवाते हैं। निकालें जी, ये भाई आ गए हैं, ये चिपबोर्ड निकलवाते हैं, और इन्हीं से मैंने ये जो है वो पीस करवा लेता हूँ। तो घर जाके ये फिर इसका अब मुकम्मल इसको तैयार करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये शीट है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये भाई लेके जा रहे हैं, इसके अब बाहर पीस करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी कटिंग भी। ये देखें, ये इसका जो साइज़ भी मैं आपको बता दूँ, ये 4 फुट चौड़ी होती है और इसकी जो लेंथ होती है वो 8 फुट होती है। तो इसके बराबर के 4 पीस करवा लेते हैं, जो कि 2x4 के 4 पीस बन जाएंगे। ये जी भाई अब कटिंग करने लगे हैं, ये देखें इस पर कटिंग होगी, बराबर के 4 पीस होंगे। ये देखें, शोर में आपको आवाज़ कम आ रही होगी। ये 1 पीस हो गया हमारा, ये दूसरा, टोटल 4 पीस होंगे इसके बराबर के। एक और ये पीस आ गया हमारे पास, ये देखें, ये जी हमारे बराबर के 4 पीस हो गए हैं। अब ये हम जो है ये फ्रंट का और बैक का और ऊपर का नीचे का 4 पीस हो गए, अब साइडों वाले 2 पीस रह गए हैं, वो भी हम जो है वो निकलवा लेते हैं अभी। ये जी हमारे माशाल्लाह पीस तैयार हो गए हैं, अब इनको लेके चलते हैं और इनका फिर जो है वो मुकम्मल जो इंक्यूबेटर की तैयारी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। फ़िलहाल ये मैंने ये 4 पीस ले लिए हैं, माशाल्लाह प्लाई ले आया हूँ मैं पीस करवा के, जैसे मैंने आपको दिखाया भी है शॉप पे जाके। तो ये 4 पीस हैं, जो कि इसमें मैं बताता भी हूँ, इसका साइज़ भी बता देता हूँ आपको। ये एक पूरी शीट ली थी मैंने, बताया जैसे मैं वीडियो में दिखाया भी आपको, और 2x4 के इसके मैंने 4 पीस बराबर के करवा लिए हैं। ये देखें, 1, 2, 3, 4 पीस हैं। तो अब इसको जो है वो इंशाल्लाह ताला कल बनाना शुरू करेंगे इंक्यूबेटर को, तो उसकी मुकम्मल जो है वो प्लाई से लेके एंड तक मुकम्मल तैयार होने तक मैं इसके जो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ वीडियोस बना के शेयर करता रहूँगा, ताकि आप भाइयों को जो है वो पता चल सके कि जो इंक्यूबेटर कैसे बनता है। और इसमें जब ये मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको साथ शेयर करूंगा कि ये मुझे कितने का पड़ा है, यानी कि टोटल कॉस्ट इसकी कितनी आई है। आया कि ये जो हमें बाज़ार से रेडीमेड इंक्यूबेटर मिलते हैं उससे सस्ता पड़ा है, या कि उससे महंगा पड़ा है, जो भी सूरत हाल होगी, जितना खर्चा आएगा तैयार करने में जो भी है, तो वो सारा आपके साथ मैं आपको इस जब ये तैयार हो जाएगा यानी कि लास्ट पार्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। और ये मैं आपको बता दूं, इसे बात वाजे कर दूं, ये मैं सेमी ऑटो जो है वो इंक्यूबेटर तैयार करूंगा, जैसा कि इसमें जो है वो टेम्परेचर ऑटो कंट्रोल होगा और जो एग टर्निंग है, यानी कि जो ऑटोमेटिकली एग टर्न होते हैं वो नहीं होंगे, एग मैंने खुद मैनुअली जो है वो टर्न करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेम्परेचर जो है वो ऑटो होगा, यानी कि टेम्परेचर कंट्रोलर लगेगा जो कि खुद ही ऑटोमेटिकली जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल करता रहेगा। तो ये थी कल से बकायदा माशाल्लाह से जो है वो इंक्यूबेटर बनना शुरू हो जाएगा, और बकायदा से इसकी जो स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आती रहेंगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको भी अगर ज़रूरत पड़े
खुद इंक्यूबेटर बनाने की, तो आप खुद भी बना सकें। उसके अंदर सारी मैं सेटिंग बताऊंगा, सारा इसको तरीकाकार बताऊंगा किस तरह से आप जो है वो अपने घर पे जो अपने मर्जी के हिसाब से, अपने मर्जी के साइज़ के हिसाब से जो है वो इंक्यूबेटर तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जो बाज़ार से मिलते हैं वो आपके जो बाज़ूकात ऐसा होता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके साइज़ के मुताबिक आपको नहीं मिल रहा होता, तो आप ये अपनी मर्ज़ी का जो है वो इंक्यूबेटर तैयार कर सकेंगे। तो वीडियो जो है वो देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अब जो है वो कल से इंशाल्लाह ताला इसको तैयार करना शुरू करूँगा, तो वीडियो जो है वो बना के अपलोड करता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंक्यूबेटर की तैयारी के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।